हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी भरतियार यूनिवर्सिटी जो कि हमारी कोयम्बतूर में लोकेटेड है, इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल असिस्टेंट। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को ऑन 17th of August 2023 को भरतियार यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में आपको जो भरतियार यूनिवर्सिटी डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो लीगल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूँ। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है कि उसको टाइमली अपडेट्स मिल जाए रिगार्डिंग इंटर्नशिप, जुडिशरी की वैकेंसी, बैंक की वैकेंसी, पीएसयू की वैकेंसी, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो आपके इम्पैनलमेंट की वैकेंसी भी क्यों ना हो, आपको इस चैनल पे वो सारी वैकेंसीज हमारे प्रोफेशन के लिए टाइमली मिल जाएंगी, ताकि आप उन प्रोसेसेस का जल्दी से जल्दी पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट्स मिल जाए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। भरतियार यूनिवर्सिटी जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो लीगल असिस्टेंट की कर रही है, और जो उन्होंने हमसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है वो हमसे LLB की डिग्री मांगी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर की LLB करी हो या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड LLB कोर्स। अगर आपके पास LLB की डिग्री है और बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु के साथ आपका एनरोलमेंट है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। मेक श्योर कि आपका जो रजिस्ट्रेशन, आपने जो अपना एनरोलमेंट कराया हो वो आपका बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु के साथ ही हो, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। मिनिमम 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें आपने या तो लीगल असिस्टेंट या फिर जूनियर लीगल असिस्टेंट के तौर पर काम कराओ। आपको जो ये पे स्केल प्रोवाइड करने वाले हैं भरतियार यूनिवर्सिटी, वो आपको 40,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा रेम्यूनरेशन के तौर पे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, आपकी एज 45 ईयर्स एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मतलब अगर आपकी एज बिलो 45 ईयर्स है तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 1 निकाली गई है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको कुछ भी ऑनलाइन फिलअप नहीं करना है, आपको ऑन 1st of September 2023 को गिवन वेन्यू पे पहुंचना है। वेन्यू का नाम है थंथाय पेरियार ऑडिटोरियम। इस वेन्यू को आपको सुबह 10 बजे से पहले ऑन 1st of September को पहुंच जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है आपको नीचे मैं अभी एक फॉर्म दिखाऊंगा, आपको उस फॉर्म को प्रिंट आउट कराना है और अपनी सारी डिटेल्स उसमें फिलअप करनी है। इस फॉर्म को इन्होंने आइडेंटिफिकेशन कम पर्सनल इंफॉर्मेशन शीट कहा है, उसको आपको सबसे पहले फ्रंट पे वो दोनों शीट लगानी है जो मैं आपको अभी नीचे दिखाऊंगा बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के साथ। उसके बाद आपको सारे अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको उस फॉर्म के साथ लगानी है और ऊपर अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। मेक श्योर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके गए हो, जिनमें आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, अप टू हायर एजुकेशन आपने जहां तक कराए आपको वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करने हैं। रजिस्ट्रेशन टाइम इसमें क्लियरली मेंशन करा है कि सुबह 10 बजे से सुबह 11 बजे तक ही 10 to 11 AM ही आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और वेन्यू आपका थंथाय पेरियार ऑडिटोरियम में होने वाला है। इंटरव्यू टाइम इन्होंने बोला है 11:30 से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे और वेन्यू इसका सिंडिकेट हॉल होने वाला है, मतलब आपका कोई भी ट्रेवलिंग अलाउंस का पैसा यूनिवर्सिटी नहीं पे करेगी, आपको सिर्फ अपनी जेब से खर्च करना है। अब मैं आपको शीट दिखा देता हूँ भारतीयार यूनिवर्सिटी की, जो आपको सबसे आगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगानी है। इसमें आपको सारी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको पूरा फॉर्म नीचे अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और लास्ट के 2 पेज को जो आपके ये एनेक्स्चर वाले हैं इनको आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा। इसमें सारी बेसिक डिटेल्स हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अगर इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म को फिलअप करने में भी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑल ओवर इंडिया में कोई भी लीगल वैकेंसी निकले और आपको उसके बारे में टाइमली अपडेट्स मिल जाए और आप उनका प्रोसेस का पार्ट बन पाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।